चैनल इफ यू आर वॉचिंग मी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. माई नेम इज श्वेता और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दोबारा से एक 20 रुपीज़ मेकअप चैलेंज. यस, मैंने सरस्वती पूजा के लिए एक लुक क्रिएट किया था. अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद ज़रूर जाके देखिएगा. वो भी मैंने अंडर 20 रुपीज़ किया था एंड काफ़ी लोगों ने बहुत पसंद भी किया. तो मैंने सोचा कि आप वो वीडियो पसंद आई तो मैं दोबारा से एक लुक ट्राई करूँ क्योंकि वैलेंटाइंस डे आने ही वाला है, लाइक 1 वीक बचा है. तो मैंने सोचा वैलेंटाइंस डे के ऊपर एक वीडियो बनाई जाए. तो सब लोग रेड मेकअप, लाइक रेडिश ड्रेस में मेकअप, पिंकिश मेकअप, गर्ली करते हैं, बट मेरा मन था बिकॉज आई लाइक द वाइब ऑफ वाइट कलर अ लॉट. मतलब वाइट कलर बहुत ज़्यादा क्लासी लगता है, किसी भी ओकेजन में पहन लो, मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे वाइट कलर, वन ऑफ माई फेवरेट कलर्स. तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा कुछ हटके करने की कोशिश करूँ. तो ये वाइट ड्रेस के ऊपर मैंने ये लुक क्रिएट किया है. न्यूड आईज़ मैंने की हैं, थोड़ी सी मैंने ड्रामेटिक रखी हैं, लैशेस की वजह से ड्रामेटिक लग रही हैं. लिप्स मैंने रेड रखा है एंड ये पूरा का पूरा मेकअप लुक मैंने क्रिएट किया है अंडर 20 रुपीज़. इवन मैंने जो कर्ल्स किए हैं वो भी मैंने DIY किए हैं, कोई भी तरह का मैंने टूल यूज़ नहीं किया. तो अगर मेरा एफर्ट्स आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा एंड ऑल्सो वॉच कि मैंने किस तरह से ये लुक को क्रिएट किया. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो गाइज, सबसे पहले कर लेते हैं अपना स्किन केयर. एज आई ऑलवेज से, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेकअप से पहले अपने स्किन को प्रेप करना. मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ डाबर गुलाबरी का रोज़ वाटर, विच इज़ 30 ml क्वांटिटी फॉर ओनली 15 रुपीज़. इससे मैं अपने फेस पे अच्छे से अब्जॉर्ब होने दूंगी. उसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे जॉय का प्योर एलो मल्टी बेनिफिट स्किन क्रीम. यह आपको 15 ml क्वान्टिटी मिलती है फॉर 10 रुपीज़. और मैंने ये वाला वेरिएंट इसलिए चूज़ किया क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है. आप लोग अपने स्किन के हिसाब से दूसरा वेरिएंट भी ट्राई कर सकते हैं. इसके और भी 3-4 वेरिएंट्स आते हैं. मैं इसे अपने फेस पे पूरे अच्छे से मसाज करते हुए अप्लाई कर लूँगी एंड इसे अपने फेस पे अब्जॉर्ब होने देंगे. उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का फ्रूट बाम. इससे मैं अपने लिप्स को अच्छे से हाइड्रेट कर ले रही हूँ. सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द मेकअप. मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ स्पिन्स का बेबी क्रीम. ये 10 रुपीज़ का सैशेट पैकेजिंग है जिसमें आपको 5.5 ग्राम क्वांटिटी मिलती है, विच इज़ इनफ फॉर 3-4 टाइम यूज़. और इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी ज़्यादा थिक है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं. मैं सबसे पहले आज अपना आई मेकअप करूँगी तो मैं इसे एज अ कंसीलर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि 20 रुपीज़ में कोई भी कंसीलर अवेलेबल नहीं है. फिर एक क्यू टिप की हेल्प से मैं अपने आईब्रोज़ के नीचे डिफ़ाइन कर रही हूँ. उसके बाद मैं इसे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड करूँगी. मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ पैक का क्लासिक ब्यूटी ब्लेंडर. अगर आपको लिंक चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, यू कैन गो एंड चेक इट आउट. एंड मैं यहाँ पे सेकेंड कोट अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि मेरे लिए वो इनफ नहीं था. आज का आई मेकअप थोड़ा हैवी होने वाला है इसीलिए. हमेशा ब्यूटी ब्लेंडर को आपको डैप करके यूज़ करना है, ड्रैग कभी भी मत करेगा, उससे आपका प्रोडक्ट वाइप हो जाता है, ब्लेंड बिल्कुल नहीं होता. नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी स्पिन्स का बीबी इंस्टेंट ग्लो ब्यूटी फेस टैल्क. इससे मैं अपने आईज़ को सेट करूँगी. जो कंसीलर मैंने लगाया है उसे सेट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो ये जो कंसीलर है ये क्रैक हो जाएगा और हमारा जो आई मेकअप है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा. स्टार्टिंग ऑफ विद द आई मेकअप, मैंने यहाँ पे लिया है नेक लाइन C2C ब्रांड का बुलेट लिपस्टिक. ये ऑरेंजिश न्यूड शेड है. इससे मैं अपने क्रीज को डिफाइन करूँगी विद दिस फ्लैट शेडर ब्रश. ऑफ कोर्स गाइस, क्योंकि ये लिपस्टिक है तो इससे वो परफेक्ट आई शेडो वाला ब्लेंडिंग तो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं इन सारे प्रोडक्ट्स को मैक्सिमम यूटिलाइज़ करूँ एंड इनकी जो कैपेसिटी है उसे मैक्सिमम तक यूज़ करके मैं एक अच्छा सा प्रॉपर लुक क्रिएट करूँ. सो नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ उसी ब्रांड का दूसरा लिपस्टिक जो कि है न्यूड शेड में, और इससे मैं अपने आईलिड्स पे अप्लाई करूँगी एंड दोनों शेड्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे. उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे मार्स का ये लिप लाइनर जो कि है मरूनिश शेड में, और मैं इसे एंगुलर ब्रश की हेल्प से अपने आउटर वी को डिफाइन करूँगी बिल्कुल इसी तरह से जैसे कि आप लोग देख सकते हैं. और फिर आउटर वी के क्रीज से
मैं इनर की तरफ लेकर आऊँगी एंड इससे एक वहाँ पे एक शेडो क्रिएट हो रहा है जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। अगर आप लोग को भी अच्छा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एक्चुअली आई एम लविंग दिस पार्ट। आई शेडो हमारा लग चुका है तो अब मुझे करना है एक स्मोकी आई लाइनर। तो उसके लिए मैंने लिया है एक आईटेक्स ब्रांड का काजल जो कि आपको 0.5 ग्राम क्वांटिटी मिलती है फॉर 5 रुपीज़। ये उतना पिगमेंटेड तो नहीं है लेकिन ये काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। एक फ्लैट शेडर ब्रश की हेल्प से मैंने इसे अपने अपर लैश लाइन में अप्लाई किया है एंड इसके बाद मैं इसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी ताकि मुझे एक स्मोकी इफ़ेक्ट मिले जो कि लैशेज़ लगाने के बाद काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। एक एंगुलर ब्रश की हेल्प से मैंने उस ऑरेंज लिपस्टिक को लिया है जो कि मैंने क्रीज पे लगाई थी एंड इसे अपने लोअर लैश लाइन में अच्छे से अप्लाई कर लेंगे जिससे वहाँ पे डेप्थ आएगी एंड ऑफ कोर्स ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। फिर एक क्यू टिप की हेल्प से मैंने अपने आउटर वी को डिफाइन किया है यूजिंग दैट बीबी क्रीम और अपने लैशेज़ को अच्छे से कर्ल करना कभी भी मत भूलिएगा। मैंने यहाँ पे यूज़ किया है वेगा का आईलैश कर्लर, डिफरेंस आप लोग देख सकते हैं। मस्कारा के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये मार्लिन ब्रांड का मस्कारा जो कि 30 रुपीज़ का आता है बट मुझे 10 रुपीज़ डिस्काउंट में मिल गया क्योंकि मैंने काफ़ी ज़रा सामान लिया था। इसका एप्लीकेटर काफ़ी अच्छा है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं एंड मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि जितनी इसकी प्राइस है उससे तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है। मैंने अपने लैशेस को लगा लिया है एंड आप लोग देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। फिर इस शिमर डस्ट की हेल्प से, गोल्डन शिमर डस्ट है, मैं अपने इनर कॉर्नर्स को अच्छे से हाईलाइट करूँगी। जस्ट देखिए गाइस, ये पार्ट करने के बाद तो मुझे मेरे आंखों से ही प्यार हो गया है। उसके बाद मैंने अपने आउटर वी को भी थोड़ा सा हाईलाइट किया है इसी शिमर डस्ट की हेल्प से। सो गाइज, एज यू कैन सी अकॉर्डिंग टू द प्राइस ये काफ़ी अच्छे से टर्न आउट हुआ है। तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करिएगा और हम लोग जल्दी से अपने दूसरे आई में भी कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग अपना बाकी का मेकअप करेंगे। आईब्रोज़ को फिल इन करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है वही सेम आईटेक्स ब्रांड का काजल और एक एंगुलर ब्रश की हेल्प से मैं काफ़ी लाइट स्ट्रोक्स पे इसे अपने आईब्रोज़ में अप्लाई करूँगी फ्रॉम द एंड्स। फ्रंट से कभी मत करिएगा क्योंकि उससे आपके आईब्रोज़ काफ़ी ज़्यादा ड्रामेटिक लगते हैं। मेरे पास कोई ब्राउन ऑप्शन नहीं था इसलिए मैं इसी काजल को यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैं एक स्पूली की हेल्प से इसे अपने पूरे आईब्रोज़ में अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी जिससे काफ़ी नेचुरल लुक आता है एंड ये काफ़ी अच्छा लगता है। हमारा आई मेकअप कंप्लीट हो चुका है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। तो अब हम लोग कर लेते हैं बेस। मैं बीबी क्रीम को अपने पूरे फेस और नेक पे अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ एंड उसके बाद इसे एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करने के बाद मुझे अपने फेस को सेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है और कॉम्बिनेशन भी, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा स्वेटिंग होती है। मैं यहाँ पे बेकिंग कर रही हूँ स्पिन्स के बीबी पाउडर से। अपने अंडर आइज़ को मैं अच्छे से सेट करूँगी एंड अपने माउथ एरिया को, एंटी जोन को एज वेल, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा स्वेटिंग आती है। तो 30 सेकेंड्स तक वेट करेंगे, उसके बाद एक ब्रश की हेल्प से इसे रिमूव कर लेंगे। जितना इसे अब्जॉर्ब करना था मेरे स्किन ने कर लिया है तो उसके बाद इसे रिमूव कर लेंगे एंड यही टेक्निक को बेकिंग कहा जाता है। देन इस नेक लाइन C2C बुलेट न्यूड लिपस्टिक की हेल्प से मैं हल्की सी कंटूरिंग कर रही हूँ। इसे मैं ब्यूटी स्पंज की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। मेरा फेस पे देखिएगा एक अच्छा सा शेडो आ गया है लाइट सा, बस मुझे यही अचीव करना था। देन ये एक मिनी लिपस्टिक है जिसकी हेल्प से मैं ब्लश अप्लाई करूँगी। ये एक लाइट सा रेडिश शेड है, ये 10 रुपीज़ में मिल जाता है और आप लोग देख सकते हैं काफ़ी प्यारा शेड है। इससे मैं एक ब्रश की हेल्प से अपने चीक्स पे अप्लाई करूँगी और मैं इसे लिफ्टेड वे में अप्लाई करूँगी ताकि मेरा जो फेस है वो काफ़ी लिफ्टेड लगे, अच्छा लगे। तो उसी तरह से मैं अप्लाई कर रही हूँ एंड मैं अपने नोज़ पे भी अप्लाई करूँगी। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है हल्का सा नोज़ पे जब वो ब्लश वाला इफ़ेक्ट आता है, एंड अपने चिन पे अप्लाई करूँगी। उसके बाद अपने कंटूर को थोड़ा हाईलाइट करने के लिए मैं स्पिन्स का वो बीबी पाउडर लेके उसे अप्लाई कर रही हूँ एंड यहाँ पे बेकिंग टाइप
करके मैं उसे यूज़ कर रही हूँ। उससे क्या होता है ना कि मतलब आपका जो कंटूर है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब शार्प लगता है एंड अच्छा वाला वो फिनिश आती है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मैं यहाँ पे ये नेकलाइन C2C का डार्क रेड लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लिपस्टिक है। फिर इसे मैटिफाई करने के लिए मैंने स्पिन्स का BB पाउडर यूज़ किया है थ्रू अ ब्रश, और फिर वो जो शिमर डस्ट मैंने यूज़ किया था अपने आईज़ के इनर कॉर्नर को हाईलाइट करने के लिए, सेम शिमर डस्ट को मैं एज अ हाईलाइटर यूज़ कर रही हूँ ऑन माय नोज़, ऑन माय क्यूपिड बो एंड माय चिन्स एंड एवरीवेयर वेर एवर आई फील कि मुझे हाईलाइटर की ज़रूरत है। एंड आप लोग देख सकते हैं एकदम बॉम फिनिश आ रही है, मुझे तो मतलब ये हाईलाइटर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एंड हमारा वैलेंटाइंस डे मेकअप लुक इज कंप्लीट। सो 3, 2 एंड फन। Thank you so much for watching guys. If you like my video, please hit the like button, subscribe to my channel and also hit the bell button as well, ताकि आपको मेरे videos की notifications हमेशा मिले और मेरे videos का आप लोग कभी miss ना करें। Follow me on my Instagram handle, link is in the description box and as well as on the screen. और अगर आप लोग इस look को create करते हैं तो मुझे Instagram पे tag करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। Valentine's Day को अच्छे से enjoy करिए। मिलती हूँ आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ, एंजॉय वैलेंटाइंस डे एंड आई लव यू गाइस, बाय बाय।